सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्सों के साथ सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ केक काटा हूँ, अपने फ्रेंड्सों को छोड़ के आया हूँ मैं आप लोग, आप लोग बहुत टाइम से वेट करें, और सॉरी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आए, सो सॉरी मैं आप लोग को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग आए हैं, मेरे को मैनेज करना पड़ रहा है। कोई लेट हो गया रहेगा, कोई ना कोई रीजन होगा, तो मैं हूँ यहाँ पे, मेरा बर्थडे है, मैं अपने ऊपर जितने फ्रेंड्स आए मैं उन लोगों को छोड़ के, तो मैं तो आया हूँ बाइक देने के लिए, मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना अपने और भी फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पे, मैं आप लोग यहाँ से ऊपर गए हैं पर वो मीडिया के सामने नहीं हुए, अगर आपको जवाब देना है आप कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होगी पर जो भी सारा वो एक जवाब देता है, पर वो छुप के ऊपर गए, पर इसका रीजन के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपना बीट किया हूँ, आप लोग आए, मैं आप लोग को यहाँ पे इन्वाइट किया हूँ, तो आप लोगों को मैं बाइट किया हूँ, मेरा बर्थडे है, मैं अपनी बर्थडे छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, ऊपर भी जाना है यार, ठीक है, थैंक यू। बस सिर पीछे कैप पहले भाई पीछे जाओ, बोल लकी डांसर लकी को मैं बर्थडे का टैग करा देगा, हम लोग का नाबालिग डांसर, बहुत ही खतरनाक डांसर है, बहुत ही अच्छा डांस करता है, कैमरा हम लोग का छोटा भाई है, तो पता नहीं बहुत ही डर अभी सर राकेश सर बाबू ऑडियो कुछ नहीं, एक साल के बाद आया मेरा बर्थडे और मतलब इतने टाइम के बाद अभी सेलिब्रेशन करने आ रहे हम लोग, बहुत दिन से, अभी लास्ट टाइम रिसेंटली शादान का भी बर्थडे था तो भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लास्ट टाइम बर्थडे किस तरह की शुरुआत होती, जन्मदिन अरे किचन का बूम पकड़ से खाली कॉल कर और मैसेज कर रहा था मैं सबको इनवाइट करने के लिए, पूरा दिन से हर साल कैसे सेलिब्रेट करते थे और इस साल कैसे अलग होने वाले हैं आपको? अलग ये होने वाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स बढ़ गए, फ्रेंड्स और मेरा बढ़ गया, तो मैं दो सेपरेट पार्टी रखा हूँ, एक आज और एक कल, आज मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में जितने इन्फ्लुएंसर्स और क्लोज वंस हैं, क्लोज वंस तो कल वाले भी हैं पर जितने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है मेरे फ्रेंड्स उन लोग सब आज आ रहे हैं, और बाकी के मेरे कॉलेज के जो रीयूनियन होगा मेरा उन लोग सब कल आएंगे। ओके अदनान आपसे जानना चाहेंगे आपका बर्थडे कितना स्पेशल है, डॉन के नाम से ना एक हमें मिला है भाई, तो इतना स्पेशल क्या है जो आपका बर्थडे बनाया जाए, 307 में तो बाकी के चार लोग भी है, आज डेट क्या है आपका स्पेशल, आज डेट क्या है 07 07 की स्टार्टिंग यहाँ से, मतलब जब ग्रुप फॉर्म किए थे हम लोग आज से 2013 में, सॉरी जब मैं बाइक पे स्टंट राइडिंग करता था, रेसेस वगैरह चलाता था, और सर्किट रेसेस KTM की जो होती है सर्किट रेसेस और बजाज की जो रेस होती है वो सब रेसेस चलाता था मैं, तो साजिद भाई है ये थे मेरे साथ में वो टाइम पे, और सुबान और आवेश उन लोग वो दोनों आने वाले, तो ये ग्रुप जब फॉर्म हुआ था वो टाइम पे हम लोग तीन लोग थे, मैं सुबान और आवेश, और जो कि वो दोनों बाइक राइडर्स थे, तो फिर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ और वहाँ से कब सोशल मीडिया पे आ गए हम लोग मालूम ही नहीं पड़ा। ओके इसीलिए मानते हो कि 7 नंबर लकी है, जिस तरह हमने आपका इंस्टाग्राम स्टोरी देखी 777 इसीलिए मानते हैं 7 नंबर। हाँ मानते हैं, और आज जो भी है मतलब हर चीज़ में 07 मतलब जब मिलता है, और ज़्यादातर मतलब हम लोग देखे हैं कि कहीं पे भी जाते हैं हम लोग पिकनिक वगैरह में तो वहाँ पे भी लॉकर मिलता है 7,
अभी हम लोग अजमेर शरीफ गए थे तो वहाँ पे भी जितने दो ट्रेन नंबर भी 07 था, उसके बाद में रूम नंबर लिए थे वहाँ पे जो होटल में जो रूम मिला था उसमें भी 107, तो मतलब हर जगह 07 टकराते हैं। और कार का नंबर भी 7, और मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं कार लिया मेरे को पता ही नहीं था मेरी गाड़ी का नंबर 7 है क्योंकि एक नंबर मिसिंग था। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि उसमें 07 है, 0 भी है उसमें, 07 है और मेरी बाइक का नंबर भी। इसके अलावा एक और एक खुशखबरी है सभी को, आपके फैंस को सभी को मिली है, आपको प्रोटेक्शन मिल गया है कोर्ट की तरफ से, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत फैंस ये चीज़ को वेट कर रहे थे मेरे ऊपर, तो केस ही नहीं था मेरे ऊपर 07 की टीम को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा है, अकाउंट सस्पेंड हो गए थे, बहुत लोगों का प्यार मिला, लोगों ने सपोर्ट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं करेगी, जो भी एक्शन लेगी सही लेगी। तो अभी इस पर और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। मेरे को ऐसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बस मैं मुझे कोई भी पूछता है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, मैं क्या गिफ्ट दूँ, तो मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करो बस। मेरे को और कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं जो भी मेरे से पूछता है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, मैं सब फ्रेंड को ये बोलता हूँ कि मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए दुआ करो। की तरफ से क्या मिला आपको एक स्पेशल गिफ्ट आज? वो उन लोग आ जाएंगे तो वही मेरे लिए गिफ्ट है, उन्हीं लोग हैं मेरे लिए गिफ्ट, और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके ओके, अनन एक और जाना चाहेंगे, महमूद जी यहाँ पे साथ में है और टिकटॉक हाउस हमें पता चला है कि वो ओपन करने वाले हैं, तो आज के दिन अगर कुछ बता दिया जाए ऑफिशियल अनाउंसमेंट अदनान भाई करेंगे, बाकी का जो हमारी तरफ से अनाउंसमेंट है 15 अगस्त को ऑफिशियल रेड कारपेट वेलकम करवाएंगे आपके सामने साथ में। तो बाकी कौन कौन होएगा वो मालूम पड़ेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैं हर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मतलब आगे रहता हूँ, मैं स्कूल टाइम से, और डांस हो गया, फैशन शो हो गया, मैराथन रेस हो गई, मतलब हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करते आया हूँ, इतने सारे सर्टिफिकेट हैं 5 पास से लेके। मैं फुटबॉल खेला था स्कूल टाइम पर, फिर NBA में भी सिलेक्ट हुआ था, फिर कॉलेज में भी इंटर कॉलेज जो डांस कॉम्पिटिशन होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, फैशन शो वगैरह। सो जब मैंने पहली बार इनको बताया कि ऐसे करने जा रहे हैं तो बोले कोई करे नहीं करे, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है और मुझे इनकरेज करना अपने आप को कि मैं इनके बीच में जाके किस तरीके से रहता हूँ। तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू अदनान भाई, नहीं मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इंशाल्लाह हिट भी होएगा और मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे और मेरे खुद पे भरोसा, अगर मैं रहूँगा तो मैं अपना 100% दूंगा और जीत जाऊँगा इंशाल्लाह। बस कुछ नहीं कहे, इतना ही बोलूँगा कि जो जितना आप लोग ने प्यार दिए इतने कम टाइम में, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और जो मेरा सपना था जो लास्ट टाइम याद है सारी तरह कुछ मैं बोला था लास्ट टाइम, मैं बर्थडे के टाइम पे मैं बोला था कि नेक्स्ट बर्थडे से पहले मैं कैसे भी वेरीफाइड होकर बताऊँगा, कोशिश करूँगा, और अभी मेरा बर्थडे से पहले अकाउंट मेरा वेरीफाइड हो गया, और अभी नेक्स्ट आगे भी एक चीज़ मैं सोचा हूँ मगर वो रिवील कर दूँगा तो फिर नज़र लग जाती है, तो इंशाल्लाह मैं भी एक टारगेट किया हूँ और वो मैं अचीव करके रहूँगा इंशाल्लाह। आमिर खान की तरह हर साल एक टारगेट करते हैं कि इस साल मेरा ये एजेंडा होगा, लास्ट ईयर इनका एजेंडा था वेरीफाइड अकाउंट और इस साल एजेंडा है सीक्रेट है वो। ओके आमिर बस बस आप लोग दुआ करो, आप लोग का प्यार ऐसे ही मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अदनान, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, एजाज भाई क्या कहना चाहेंगे, आज अदनान का जन्मदिन है, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या कुछ धमाल मस्ती होने वाली है? यहाँ पे बहुत धमाल होने वाली है, आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है एंड ही इज द गाय हु इन्वेंट 07 थीम, उसने 07 इसका बर्थडे, आज लोगों को पता चलना चाहिए 07 है क्या, 07 इसका बर्थडे है और इसी ने वो टीम को इन्वेंट किया है, और इतने सुपरस्टार टिकटॉकर और इतने सुपरस्टार एक्टर इसने अपने सारे दोस्तों को लेके ये टीम को बनाया, और आज देखो कितनी आगे जा रही है टीम, एंड आई विश देम ऑल द लक, इसकी बर्थडे को ये लोग और राइज करें और राइज करें और बड़े हो जाए। टीम 07 की एक क्वालिटी क्या है और अदनान का जन्मदिन है, कोई क्वालिटी बताना चाहेंगे इनकी जो आपको सबसे खास लगती है? हाँ, टीम 07 की क्वालिटी ये है कि टीम 07 जेम्स बॉन्ड की तरह है, 707 की ये बॉन्ड है, तो और मैं बम्बई का बॉन्ड हूँ। अच्छा सर, इतना सब होने के बाद भी आप लोग साथ में हैं, फैंस लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? यार आप लोगों की मोहब्बत के हम शुक्रगुजार हैं, कर्जदार हैं,
आप लोगों का बहुत बहुत एहसान है, आप इस तरह से प्यार करते रहिए, इनको सपोर्ट करते रहिए। और अभी दूसरा सवाल अदनान से पूछिए। आपसे ही जानना चाहेंगे टिकटॉक हाउस आने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हैं टिकटॉक इन्फ्लुएंसर को देखने? टिकटॉक हाउस आने वाला है और ये उसके प्रोड्यूसर है, डॉन सिनेमा पे आने वाला है और मैं उसको एंकर करने वाला हूँ। तो आपको पता है एंटरटेनमेंट कितना होने वाला है, क्योंकि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ओनली एंटरटेनमेंट इज गोना बी फन। इतने टैलेंटेड डांसर्स, इतने टैलेंटेड खूबसूरत लड़कियाँ और इतने अच्छे एक्टर, सब बॉडी वॉडी लेके इतना, मतलब इतना घमासान होने वाला है और बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है। मतलब राइवल्स एंड लव एंड इंटरटेनमेंट एंड लॉट ऑफ टास्क। तो अभी टिकटॉक हाउस एंड बिग बॉस हाउस, ओह माय गॉड। नहीं मैं भाई तो भाई है यार, भाई के जैसा कोई हो सकता है क्या? बट हाँ, भाई की कुछ चीज़ें मैंने भी चोरी किया हूँ बिग बॉस से, वो इसमें थोड़ा निकालूंगा। He's ready, you see? He's a challenger guy, you know, challenge though ready hai. भाई को कोई टक्कर दे सकता है? भाई की पहली पिक्चर देखा मैं घर से भाग के आया बाबा, तो भी तेरे व्यू नहीं आने वाले, तो भी तेरे व्यू नहीं आने वाले। एजाज भाई, हम आपके कौन को भी 25 साल हो गए, कुछ विश करना चाहेंगे सलमान भाई के लिए? हाय, कसम खुदा की आपको देखे बहुत सारे लड़के वर्कआउट किए, बहुत सारे लड़के हीरो बनना चाहे, बहुत सारे लड़के उसमें से एक मैं भी हूँ। खैर, आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया और आप बहुत प्यार करते भी हो माशाल्लाह, लेकिन मैं एक गाना गा देता हूँ भाई। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। एक नंबर भाई, हम सब हम आपके कौन के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मैंने की थी सलमान भाई की, और आज मैं इधर प्रोड्यूसर बन के 25 साल के बाद में इधर खड़ा हूं। वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी। इन्होंने चॉकलेट, फिर आशिक बनाया, आपने दिल दिया, शुक्रिया। इमरान हाशमी के साथ बहुत पिक्चर बनाई है। ओके, आपसे जानना चाहेंगे आज अदनान के लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट होने वाला है? बर्थडे है तो क्या सरप्राइज होता है? रिवील कर लीजिए, फैंस भी बहुत डर रहे हैं। एक लड़की अभी बुरके में गई है, उसके ऊपर से पर्दा खुलेगा ऊपर जाके। ओह, ऐसे है क्या? और वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। एजाज भाई, हम सब जानते हैं आप देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अभी जो एक ऐतिहासिक फैसला आया 370 को लेकर, भाई मुझे कुछ पता नहीं। मैं पूछा नहीं, बर्थडे की बात करें, बर्थडे की बात करें यार बाबा। लेकिन आपका ओपिनियन तो होना ही चाहिए। किस बात पे? 370 में जो रिवोक किया है मोदी जी ने, ये नहीं आएगा। रिवोक किया गया है मोदी जी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? पहले मैं इस पे पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। देख, मैं इस चीज में कोई बोलने वाला नहीं है, लॉ का काम है। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि कश्मीरी, आई लव कश्मीरी पीपल, आई लव कश्मीर, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। हम चाहते हैं कश्मीर इंडिया में, और वो हो रहा है, और हम दुआ करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहे और हमारे देश में अमन फैले, चैन फैले, और तेरे जैसे रिपोर्टर को अल्लाह। बस मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कभी कुछ भी नहीं है। मैं भाई को इन्वाइट किया था, अभी इससे पहले भी, मतलब मैं जब लास्ट टाइम जो मैटर हुआ था, एक मैटर था, तो वो टाइम पे भी मैं भाई को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि बिजी थे, बिजी होंगे, उनका काम वगैरह था शूट से, तो मैं नहीं इन्फॉर्म किया था। पर वो टाइम पे पता चला था, तो रमज़ान में रोज़ा रख के पूरी टीम के साथ दौड़ लेके ये पहुँच गए थे वहाँ। तो वो टाइम से फिर भाई की इज्जत जो थी और ज़्यादा हो गई है, फिर मैं तब से मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता। कुछ मत कर, मेरे लिए तो स्टार बन छोड़े। एक आखिरी सवाल, राखी सावंत ने शादी की है, बताइए इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा एनआरआई के साथ शादी में, थोड़ा। अरे राखी सावंत मेरी दोस्त है, एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने पूरे घर को बाल पोस के बड़ा किया है,
उसको हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को राखी सावंत को आइडल मान के जी, राखी सावंत एक कैरेक्टर है जो वो कॉमेडी करती है, वो सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए करती है, उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं उसको तहे दिल से विश करता हूँ कि राखी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे, अमन और चैन से रहे, और हमारे NRI जीजा जी कौन है वो मुझे पता है। सबसे पहले तो मैं अदनान को विश करना है हैप्पी बर्थडे अदनान, क्योंकि बर्थडे की खुशी मैं जानता हूँ, मैं बर्थडे कर नहीं पाया था, मैं कितना एक्साइटेड था बर्थडे करने के लिए। रात दो बर्थडे बनने अभी तक तो कुछ दिया नहीं, सरप्राइज है, सब पता चलेगा। और इसको क्या गिफ्ट दिया आप लोगों ने? कुछ इसको उसको टेंशन टेंशन इतना स्पेशल हो गया इसको बर्थडे के दिन ही तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 07 मतलब 07 अदनान जी का बर्थडे भी 07 तो आज ही पता चला, तो उसके बारे में क्या कहते। अच्छा आप लोगों को जो है कंट्रोवर्सी के बाद ये फर्स्ट टाइम आप लोग खातिब हो रहे हैं हमारे साथ, तो कितना मतलब रिलीफ फील कर रहे हो आप लोग, अगर कुछ इस बारे में शेयर करना चाहें, क्योंकि पहला सेलिब्रेशन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 9 मिनट मतलब अभी तक थिंग्स आर लाइक आज बर्थडे है तो सब लोग खुश है, एंड जो प्रॉब्लम्स चल रहे तो इंशाल्लाह जैसे वो कम्प्लीटली क्लियर होएगा तब सब टेंशन फ्री होंगे। अभी थिंग्स आर लाइक हाँ जब तक अकाउंट नहीं वापस आते ना तो तब तक टेंशन में ही रहेंगे सब लोग। बट वो तो हो गया है सब, जैसा हो रहा है वैसे फ्लो के साथ जा रहे हैं और चल रहे हैं सब लोग, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। यस थैंक यू सो मच सारा बड़ा सर।